बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री के एससीओ मीटिंग में शरीक होने से पहले की यह बड़ी खबर है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चीन के सैनिक पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। 16वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत के बाद फैसला हो गया है। भारत और चीन के सैनिक एलएसी पर PP-15 से उस पॉइंट से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी कामयाबी, इस वक्त की बड़ी खबर है। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी ज्यादा डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। नीरज, ये तो बहुत ही शानदार खबर। हाँ बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हम लोग देख रहे थे कि पूर्वी लद्दाख में पिछले 2 साल से जिन जिन जगह पर फ्लैश पॉइंट था, यानी कि विवादित इलाके थे, उनमें से ये आखिरी पॉइंट बचा हुआ था, आखिरी विवादित इलाका था PP-15, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15, ये आखिरी बचा था। अब इससे भी आज से शुरुआत हो गई है, दोनों देशों की सेनाएं जो है पीछे हटना शुरू हो गई है। रूबिका मैं बता दूं कि यहाँ पर जो दोनों देशों की सेनाएं थी, उनका जो बीच में जो डिस्टेंस था, यानी कि जो दूरी थी, वो 100 मीटर से भी बेहद कम थी। इसीलिए बेहद ये बड़ा फ्लैश पॉइंट माना जा रहा था कि कभी भी दोनों देशों के बीच में बड़ा विवाद ये है किसी संघर्ष का रूप न ले ले। और इसीलिए जो पिछली मीटिंग हुई थी दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच में, उसमें सहमति बनी कि इस पॉइंट से भी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाए, तो आज से हटना शुरू हो गया है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो पुराने विवादित इलाके हैं, जो 2 साल से पहले डैमचॉक और डेपसांग प्लेन है, वहां पर अभी भी जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तनातनी जारी है। लेकिन ये आखिरी फ्लैश पॉइंट था पिछले 2 साल वाला। नहीं तो वहां जो तनातनी जारी है, क्या उसको लेकर ये बातचीत जो है वो जारी रहने वाली है? बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो जितनी भी विवादित इलाके थे, जो पिछले 2 साल में हमने गलवान घाटी की हिंसा के बाद देखा था, जहां जहां पर विवाद हुआ था, जहां जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, वहां से यह है ये वाला फ्लैश पॉइंट आखिरी था। लेकिन जो डेपसांग प्लेन है, क्योंकि वो 2008 और 2013 से विवाद चल रहा है, और डैमचॉक भी पुराना विवाद है, वहां पर अभी भी जो दोनों देशों के बीच में जो है तनाव बरकरार है, उसके लिए मीटिंग जो है आगे चलती रहेगी कोर कमांडर के बीच में, और साथ ही जो वर्किंग मैकेनिज्म ग्रुप है भारत और चाइना का, वो उसमें डिस्कस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। भारत और चीन के सैनिक अब मान गए एलएसी पर PP-15 से पीछे हटने की तैयारी। एससीओ से पहले ये वो जो बैठक होने वाली थी, उससे पहले ये फैसला ले लिया गया है। और ये बताया गया कि कमांडर लेवल की जो बातचीत चल रही थी, उसमें 16th राउंड में जाकर ये बात बन पाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।